कि जो एक नजर है वो स्नैक्स के ऊपर जरूर है, बट वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी है जोनाथन के लिए। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा एंगल नहीं देना चाह रहे जहां पर जहर बस्ट एकदम से आए और जोनाथन को मिड रेंज के अंदर एक नॉक मिल जाए। तो कहीं ना कहीं वो एक यू नो क्रूशियल रोल है स्नैक्स के लिए, जो बहुत ही अच्छे लेवल पर अदा करता है। अगर आप स्नैक्स का पीओवी देखें तो डीपी के जहर के साथ बिल्कुल तैनात वहां पर रहेंगे, छोटे छोटे से पीओवी वहां पर नोट आउट करने के लिए बिल्कुल तैनात रहेंगे। ये देखिए मिड रेंज के लिए जाने जाते हैं, इनका रोल ही सपोर्टर का रहता है एंड मिड रेंज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हीं के ऊपर आ जाती है। बट क्लोज रेंज में आतंकी विद दैट बैरल, इस आतंकी का आतंक यहां पर जरूर से आ सकता है। अगर जोनाथन यहां पर कुछ आज हल्के में लेने के मूड में नजर आ रहे हैं तो देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो निकलता है। बहुत ही ज्यादा इंटेंस ये फाइट है मेरे हिसाब से। यहां पर जब तक ऊपर टेरेस पर नहीं आ जाते तब तक के लिए फाइट इनिशिएट नहीं होगी। यूटिलिटीज ऊपर और नीचे दोनों से बैक टू बैक यहां पर यूज में आपको देखने को मिल जाएगी। इट्स योर कॉल अंकित, यहां पर कौन सी टीम आप पिक करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर फाइट? मेरे ख्याल से टीम टीएसएम एंट्री शायद यहां से कमबैक कर सकते हैं, बिकॉज़ पीछे से जॉनसन ने स्पॉट किया, ये बढ़िया जगह लाता है। दो प्लेयर्स को यहां पे डाउन किया, वन वी टू ऑलरेडी हो चुके, तीसरे प्लेयर को जॉइन किया टीएसएम एंट्री जॉनसन विद दैट 133 और यहां पे पूरा का पूरा जो कोर था इस फाइट का वो चेंज कर दिया। स्नैक्स पीछे से बहुत उतर उठे थे, स्पॉट किए स्नैक्स को भी, कुछ बढ़िया प्ले था, टॉटस भी सर्वाइविंग। टीएसएम एंट्री जॉनसन इज द नेम, द ओनर ऑफ ब्लडशेड, द गॉड ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, दे आर लुकिंग बैक इनटू एक्शन एंड क्या बढ़िया।